गाइस, हम कभी कभी हिंदी में इस प्रकार के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मुझे वहाँ फिर जाना पड़ गया होता, वरना तुम्हें रुकना पड़ गया होता, उसे फाइन भरना पड़ गया होता। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम लास्ट में यूज़ करते हैं होता या फिर गया होता। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा वुड हैव हार्ड टू, वुड हैव हार्ड टू। इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद वुड हैव हार्ड टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वुड आप सब सब्जेक्ट के पास यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। मुझे वहाँ फिर जाना पड़ गया होता, आई वुड हैव हार्ड टू गो देयर अगेन, I would have had to go there again. वरना तुम्हें रुकना पड़ गया होता, Otherwise you would have had to stay. Otherwise you would have had to stay. मुझे तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया होता, I would have had to suffer a big loss. I would have had to suffer a big loss. उसे फाइन भरना पड़ गया होता, He would have had to pay the fine. He would have had to pay the fine.